पर शामिल करते हैं। बहावलपुर की तहसील हासलपुर से डॉक्टर तुकीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हासलपुर माजिद बिन अहमद ने टीएचक्यू हासलपुर अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हासलपुर माजिद बिन अहमद ने अस्पताल में एमरजेंसी वॉशरूम, सफाई सुथराई शोभा, हेपेटाइटिस हेमराज चशम, चिल्ड्रन वार्ड, मेल फीमेल वार्ड, लेबॉरटरीज, पर्ची काउंटर, शोभा फार्मेसी, सिटी स्कैन, एक्सरे रूम के अलावा अद्वियात और तिब्बी आलात का बताते खुद मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर हासलपुर माजिद बिन अहमद ने अस्पताल में सफाई सुथराई, वाइट वॉश के हवाले से दीगर अमूर को भी बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने डॉक्टर हजरात को हिदायत की कि अस्पताल में सफाई सुथराई के और वाइट वॉश के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए, व्हील चेयर्स की मरम्मत की जाए और एम्बुलेंस का किराया गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक वसूल किया जाए। उन्होंने डॉक्टर साहिबान को मुखातब कर डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को वाज़े हिदायत जारी करते हुए कहा, वो ऐसे तमाम टेस्ट जिनकी सहूलत अस्पताल में मौजूद है बाहर से नहीं किए जाएंगे और टेस्टों की रिपोर्ट बराह रास्त वार्ड में मौजूद डॉक्टर और मरीज को मुहैया की जाए। उन्होंने कहा कि पर्ची काउंटर पर मजीद एहलकार तैनात किए जाएँ ताकि मरीजों के लवाहिकीन को ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि अपने दौरे के दौरान मरीजों से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से इस्तफसार भी किया, जिस पर मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त तिब्बी इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए कसीर फंड मुहैया कर रही है। यही वजह है कि सूबा भर में सेहत में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। सीधी सादी खुशी का मजा।